29 ट्वेंटी 9 29 यस सर। क्वेश्चन नंबर 29। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड व्हिच व्हेन ट्रीटेड विद डीएमएफ प्रोड्यूसेस ए ऑन फर्दर ट्रीटमेंट। अच्छा क्या है, C6H4NO2F। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या है, एनओ टू और एफ लगा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑर्थोमेटा पैरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विच व्हेन ट्रीटेड विद डीएमएफ, डीएमएफ के साथ इसका ट्रीट करते हैं, दिस प्रोड्यूसेस ए। अच्छा इसका हम ट्रीटमेंट की इसके साथ डीएमएफ और CH3O2NH, तो अपने को ए मिला। फर्दर ट्रीटमेंट विद H2PD दिस प्रोड्यूसेस बी, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर PR। डीएमएफ पर ये क्या करेगा, डीएमएफ पर ये फ्लोरीन को हटा के शायद ये लगा देगा मिथाइल उथाइल, और फिर एक हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एनओ टू हमारा एज इट इज रहेगा और फ्लोरीन की जगह ये आ जाएगा NMeMe। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है, और बी में क्या हुआ, H2PD करा है तो एनओ टू का रिडक्शन है, तो एनओ टू हम लोग को नहीं दिखना चाहिए, इसमें एनओ टू दिख रहा है, हाँ ये वाले में नहीं दिख रहा है, ए हो जाएगा आंसर। आंसर ए है, क्या हो गया, सॉरी सॉरी, इसका आंसर ए है क्या? यस सर। तो वही हो रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन की जगह क्या हो रहा है, सबसे पहले रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये आपका जो फ्लोरीन है, लेट अस से NO2, ठीक है, इसका आपने डीएमएफ के साथ कराया वो NH CH3 जो भी CH3O2। ठीक है, तो फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा नाइट्रोजन से, मतलब नाइट्रोजन डाइमिथाइल नाइट्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन MeMe। ठीक है, इसका जब आप H2 करेंगे तो NO2 क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, NO2 रिड्यूस हो जाएगा NH2 में, और ये हमारा रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही रिड्यूस था। ठीक है, तो ए हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो नहीं सकता क्योंकि ये पोर्शन हमारा नाइट्रोजन CH3 रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और NO2 हो नहीं सकता क्योंकि H2 से हम लोग पास किए, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और बोलो स्क्रीन पे और जो क्वेश्चन है उसमें किसी को कुछ डाउट सर? 26। ठीक है, AH2S3 अपने पास। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एन फैक्टर निकालना है, तो सबका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो हम थोड़ा क्लियर करते हैं स्क्रीन को। चलो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो AH2S3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ आशीष? +6 S3 का सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। -6 नहीं होगा, -2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तीन का नहीं बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी बोलते हैं तो हम एक एटम के लिए देखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। फिर यहाँ पे आर्सेनिक का कितना है, +3। ठीक है, ओके, नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है, नाइट्राइट नाइट्रेट में
प्लस फाइव प्लस फाइव ठीक है. नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है? प्लस टू. प्लस टू ठीक है. यहाँ पे आर्सेनिक का कितना है? आर्सेनिक प्लस फाइव. प्लस फाइव ठीक है. सल्फर का यहाँ पे कितना है? सल्फर का प्लस प्लस सिक्स. प्लस सिक्स ठीक है. तो अपने को AH2S3 पे फोकस करना है. AH2S3 में हमारे पास आर्सेनिक है और सल्फर है. तो आर्सेनिक का क्या हुआ? प्लस टू से चला गया ये प्लस फाइव पे ठीक है. यस सर. तो इस केस में इसने गेन इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा कि लूज किया होगा? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा. लूज किया होगा ठीक है. पर मॉलिक्यूल ऑफ AH2S3 कितना मॉलिक्यूल इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने? पर मॉलिक्यूल AH2 टू इलेक्ट्रॉन नहीं, टू इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ AS इसने लूज किया. लेकिन एक मॉलिक्यूल में दो AS एटम है ना, दो आर्सेनिक एटम. ठीक है. तो पहले हम आर्सेनिक का देखते हैं. आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक टू और ये क्या है? प्लस थ्री में है. ठीक है. तो इसको इफेक्टिवली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे आर्सेनिक क्या हुआ? प्लस फाइव में हुआ. तो सबसे पहले हम लोग इसके एटम्स बैलेंस करते हैं. तो इधर दो आर्सेनिक, तो इधर भी दो आर्सेनिक. ठीक है. तो दो आर्सेनिक प्लस सिक्स में और इधर आर्सेनिक क्या प्लस फाइव में. ठीक है. दो आर्सेनिक प्लस टेन में. तो चार इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा? लूज किया होगा. ठीक है. यस सर. फिर सल्फर का देखो. सल्फर का यहाँ पे क्या है? तीन सल्फर है और सब पे टू माइनस. तो एस थ्री सिक्स माइनस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे सल्फर क्या हो गया? सल्फर प्लस सिक्स में आ गया. और यहाँ पे तीन सल्फर, तो पहले तीन बैलेंस करेंगे. तो माइनस सिक्स से सल्फर हमारा कहाँ पूछा है? प्लस अठारह में. ठीक है. तो इसने क्या किया होगा? चौबीस इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे. समझ में आ रहा है? माइनस सिक्स टू एटीन प्लस ट्वेंटी. अब इसको दोनों को ऐड कर दो. तो ओवरऑल इसने क्या किया है? 28 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. तो एन फैक्टर हमारा क्या हो गया? 28. तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 28 हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा. ठीक है. यस सर. ओके. तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 बोला था किसी ने, अभी ने बोला था 31. चलो 31 देखते हैं. इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी इसने यूज किया है. ठीक है. तो लेटर से आपके पास ये है, ए डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं, जो भी हो रहा हो, बी और सी में. ठीक है. टी इक्वल टू जीरो पे आप मान लो इसके ए नॉट मोल्स थे, इसके जीरो थे, इसके जीरो थे. ठीक है. टी इक्वल टू किसी टाइम टी पे इसके ए नॉट माइनस एक्स होंगे, इसका एक्स होगा, इसका एक्स होगा. ठीक है. T इक्वल टू टी इन्फिनिटी पे जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तो क्या होगा? ये पूरा रीयूज हो चुका होगा, जीरो बचा होगा, ये ए नॉट पूरा बचा होगा और ये ए नॉट पूरा बचा होगा. ठीक है. अब रिएक्शन का आप ये टी और टी इन्फिनिटी ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपने इसका टाइट्रेशन कराया. ठीक है. टाइट्रेशन कराया एक रिएजेंट पी के साथ, और वो रिएजेंट पी ऐसा है वो ए बी और सी तीनों से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. तो बस यही आपको लगाना है यहाँ पे. जैसे ये वाला इंस्टेंट जो है टी इक्वल टू टी वाला, तो वहां पे इसने बताया कितना एक्स वॉल्यूम हमारा कंज्यूम हुआ. ठीक है. रिएक्शन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन रिएक्टेड विद दिस. ठीक है. टी किसी टाइम टी पे रिएजेंट का हमारा एक्स वन मोल्स कंज्यूम हुआ. ठीक है. तो एक्स वन मोल्स जो होगा दैट विल बी नथिंग बट ए के जितने मोल्स बचे होंगे उतना, मतलब एक सेकेंड कैसे समझा है? हाँ देखो, ये रिएजेंट हमारा, ये जो रिएजेंट है पी, this is reacting with A, this P is reacting with B, this P is reacting with C. ठीक है. हर एक के केस में इसका n factor क्या है? अलग अलग है. यहाँ पे n factor 1 है, यहाँ पे n factor 2 है, यहाँ पे n factor 3 है. ठीक है. तो total P consume कितना होगा? P कितना consume होगा? इसके जितने moles हैं into 1, इसके जितने moles हैं into 2, और इसके जितने moles हैं into 3. ये समझ में आया अविक? हेलो हेलो अभी समझ में आ रहा है? अरे चैट में मत रिप्लाई किया करो, आप लोग बोल दिया करो. ठीक है. अनम्यूट करके थोड़ा मेहनत लगता है, जानते हैं, तो थोड़ा सा कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ए के साथ हमने एक, इसका एन फैक्टर वन है. ठीक है. तो ए हमारे पास मोल्स कितने हैं? ए नॉट माइनस एक्स इंटू वन, इसका एन फैक्टर हो गया. ठीक है. बी के साथ इसका एन फैक्टर क्या है? टू. तो टू टू इंटू एक्स हो गया. ठीक है. सी के साथ इसका एन फैक्टर क्या है? थ्री.
ओके चलेगा। तो ये हो गया हमारा 3x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन क्या आ गया, x1 इक्वल टू a नॉट प्लस 4x, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे x2 हमारे पास लगता है, ठीक है। तो x2 इक्वल टू हम लिखेंगे, x2 से रिएक्ट करने के लिए a बचा नहीं हमारे पास, तो 0 इंटू 1 प्लस a नॉट इंटू 2 प्लस a नॉट इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू 5a0, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। और आप रेट लॉग अगर आपको याद हो जो काइनेटिक्स में हम लोग को पढ़ते हैं, ठीक है, रेट लॉग क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/t इंटू लॉग ऑफ a0 upon a0 minus x, ठीक है। तो बस इसी a0 और x को आपको किसके टर्म्स में लिखना है, x1 और x2 के टर्म्स में। तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, a0 और x को आप x1 और x2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट x2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सॉरी a0 इक्वल टू क्या हो गया, x2/5, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू x1 minus a0/4, ठीक है। तो a0 की वैल्यू आ गई x1 x2 के टर्म्स में, x की वैल्यू आ गई x1 x2 के टर्म्स में, इसको आप इसमें पुट कर दो फिर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर हुआ आपको, ओके सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम क्लियर कर रहे हैं इसको। ओके और बताओ इन सब क्वेश्चंस में कुछ डाउट स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं। सर 30 क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग सल्फेट एंड सल्फाइट कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय BaCl2 होगा, ठीक है। हमने ये लिखाया हुआ है, अब सॉल्ट एनालिसिस का नोट्स देखो, तो उसमें BaSO4 जो होता है, ये हमारा व्हाइट पीपीटी मिलता है इसका, ठीक है। और Ba सल्फाइट जो होता है दैट इज BaSO3, ये सॉल्यूबल होता है वाटर, ठीक है। तो इससे हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। और बोलिए और कौन क्वेश्चन डाउट है। इधर और डाउट नहीं है, हम नीचे कस कर रहे हैं इसको, ठीक है। सारे क्लास में क्वेश्चन नंबर 35-40 जो भी स्क्रीन पे है, कुछ डाउट है इसमें। सर 34 44 में बस लेंथी कैलकुलेशन है सारे स्ट्रक्चर। 34 34 तो दो इक्वेशन होता है यहाँ पे, सबसे पहला कि P टोटल जो होता है आपका, ठीक है, XA और XB के टर्म्स में होता है, दैट इज PA0 into XA plus PB0 into XB, ठीक है। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ P, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, YA into P total, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B कैन बी रिटन एज YB into P total, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आपको याद रखना है उसके लिए, RLVP से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है।
हाँ तो आपका क्वेश्चन 1 बाई एक्स ए वर्सेज 1 बाई वाई भी पूछ रहा है, 1 बाई एक्स ए वर्सेज 1 बाई वाई। ओके तो इस इक्वेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 बाई वाई ए, 1 बाई वाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी टोटल अपॉन पी ए। पी ए इज योर पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है यहाँ से। तो इसी को हम लोग आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पी टोटल की वैल्यू आप पुट कर दो इस इक्वेशन से, इक्वेशन वन से, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू, अच्छा एक्स बी को हम लोग वन माइनस एक्स ए लिखेंगे, ठीक है, ताकि और कोई वेरिएबल क्वेश्चन में ना आए। और नीचे है हमारे पास पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। तो आप ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा, पी वी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वन बाई वाई, वन बाई वाई ए वर्सेस वन बाई एक्स ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया वाई एक्सेस, ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सेस, ठीक है। तो इसको वाई से रिप्लेस कर दो तो इक्वेशन आपका आ गया वाई इज इक्वल टू पी बी नॉट बाई पी ए नॉट into 1 by xa, 1 by xa is your x plus इधर xa xa कट जाएगा और वो आपका हो जाएगा intercept, ठीक है, p a naught minus p b naught upon p a, ठीक है। तो slope हो गया आपका, we'll have slope हो गया p b naught upon p a naught, ठीक है, p b naught upon p a naught इस दोनों में से कुछ होगा, और intercept क्या हो गया p a naught upon a, answer हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। और बताइए, हाँ बोलिए। 40 40 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस एपिसोड। अच्छा तो टर्ट ब्यूटाइल हम लोग डाल रहे हैं और यहाँ पे डाई हैलाइड है, ठीक है, तो दो बार यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, हमारा प्रोडक्ट ये होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका एसपी टू का एसपी टू का एसपी का एसपी, ठीक है, एसपी टू एसपी टू एसपी एसपी डी हो जाएगा। ठीक है, और बताओ स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें और कुछ डाउट? उसमें क्लास लिखा हुआ है ऊपर 10 सर, 41 41, ठीक है, हम स्क्रीन को क्लियर कर दे थोड़ा। ओके चलो हम स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 41, इफ जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वन बाय वन पर्सन एट द लो प्रेशर, that is the compressibility factor at low pressure, ठीक है? Low pressure मतलब क्या होता है? Low pressure is same as high volume, ठीक है? तो imagine करो कि बहुत बड़ा container है आपके पास, ठीक है? तो container का size आपने बहुत बड़ा कर दिया, तो हमारा जो real gas equation था, ठीक है? P plus क्या होता था? A n square upon b square into b minus n b equal to r t, ठीक है? इसमें ये क्या occupy करता था? This represented the volume occupied by gas. और ये किसको रिप्रेजेंट करता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो आशीष आप बताओ कि अगर हम बहुत बड़ा कंटेनर यूज करेंगे तो इस दोनों टर्म में से ए और बी में से कौन टेंडिंग टू जीरो होगा? सर बी। बी, ठीक है, बड़ा कंटेनर हम लोग यूज कर लिया, वी बहुत बड़ा है तो वी माइनस एन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा? पी के, ठीक है, approximately equal to v, ठीक है, तो बस वही पुट करना था इसमें। तो इक्वेशन आ जाएगा p plus a n square upon v square is equal to r t, अच्छा n की वैल्यू 1 है तो ये भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप इक्वेशन लिख सकते हैं इसका p v upon r t, तो b तो आएगा ही नहीं, तो b ऑप्शन तीनों ऑप्शन से हट गया, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, b हो जाएगा आपका आंसर।
सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा. ओके और बताइए. 43. Which of the following haloalkanes produces most stable alkene? अच्छा तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग. हाइड्रोजन हम लोग इसका क्या करा रहे हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करा रहे हैं. टू क्लोरीन इज दिस, बी इज 2,3-chlorine, सी इज 2,2-dichlorine, डी 2,2,2,3-dichloro तो सबका हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या बनेगा. ठीक है, इसका अगर आप एलिमिनेशन कराओ तो क्या होगा, एक बार एलिमिनेशन होगा और ये एल्कीन बन जाएगा. इसका अगर एलिमिनेशन कराओ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ और यहाँ से और यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन निकले और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर यहाँ और यहाँ से एलिमिनेशन हो और यहाँ से यहाँ एलिमिनेशन हो और अलाइलिक बन जाए. ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है इसके. इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में तो पक्का अल्काइन ही बनेगा. अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया, अच्छा अल्कीन दिया है. ठीक है, तो अल्कीन दिया है तो फिर अल्काइन सोचना नहीं है, ये वाला बनाना है प्रोडक्ट. ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में अल्काइन नहीं बनेगा. क्लोरीन से अगर यहाँ से एलिमिनेशन होगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा लेकिन एक अभी भी क्लोरीन है. और इसको फिर एलिमिनेट कराने के लिए इधर से हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा, तब फिर अल्काइन बनेगा. ठीक है, लाइक दिस. या फिर इस स्टेप पर भी रुक सकता है. ठीक है, क्योंकि अल्काइन बनाने के लिए हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है. ठीक है, NH2- ये सब चाहिए, आरओ माइनस से नहीं होता है. यहाँ पे आरओ माइनस से रिएक्शन हमारा अल्कीन पे ही रुक जाता है. अगर हम NH2- या फिर और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस डालें तब अल्काइन बनता है. फिर ये वाला केस हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलाइल बनेगा. ठीक है, तो मिथाइल ठीक है, पता नहीं इधर डायग्राम क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट इधर. मिथाइल ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, चारों प्रोडक्ट हो गए. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है बाकी सबके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स दो दो हैं और दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन. ठीक है, अब दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में तो रेजोनेंस है, इक्वली स्टेबल है. ठीक है, फिर हम लोग अगले फैक्टर पे जाएंगे, दैट इज हाइपर कंजुगेशन. तो हाइपर कंजुगेशन के लिए इसमें 3+3 6 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है. ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर. तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्लियर करें स्क्रीन को. चलो सर, 38. ओके, 38 आधा क्वेश्चन इधर आ रहा है. अच्छा, अ सल्फेट ऑफ अ मेटल, अच्छा किसी मेटल सल्फेट का बात हो रहा है. ओके, इसको हीट करेंगे तो क्या, दो गैस मिला, गैस बी और गैस सी. ठीक है, दोनों गैस है और ऑक्साइड डी मिला. अच्छा, एक ऑक्साइड मिला. गैस बी टर्न्स K2Cl2. अच्छा, बी क्या हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है. ठीक है, और वाइल गैस सी, गैस सी के बारे में क्या है, गैस सी फॉर्म्स अ ट्राइमर. गैस सी फॉर्म्स अ ट्राइमर इन विच देयर इज नो SS बॉन्ड. अच्छा, तो ये आपका क्या है, H3O9 का ट्राइमर बना रहा है. H3O9 सुना है आप लोगों ने, इसे IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ है H3O9 के स्ट्रक्चर से. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे होता है, अच्छा दो है,
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड टाइम डबल आ रही है भेजेगा हां हां वो बता दे इट इज समथिंग लाइक योर HPO3 का जो ट्राइमर होता है ठीक है ऐसा ही होता है H3 P3O9 उसको बोलिए टेलीग्राम भी ऐसा ही होता है नाइट्रोजन फैमिली का रिवीजन कर रहे थे ठीक है तो गैस सी तो उसने क्लियरली बता दिया ये SO3 अपने पास ठीक है और कंपाउंड डी विद कंसंट्रेटेड HCl फॉर्म्स अ लुईस एसिड ई इसको हम क्या किए HCl से रिएक्ट कराए तो कंपाउंड ई बना विच इज अ लुईस एसिड एंड एग्जिस्ट एज डाइमर लुईस एसिड है और डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है ठीक है तो कंपाउंड्स अच्छा तो कटायन तो हमारा देखो ऑप्शन में सारे में अच्छा एल्युमिनियम एक मिनट एल्युमिनियम करेगा क्या नहीं लास्ट में फिर एफी कहां से आ गया अगर ये एल्युमिनियम होता ये अगर करेक्ट ऑप्शन होता तो लास्ट में ये FeCl2 कहां से आ गया तो सी ऑप्शन गलत हो गया मतलब कटायन यहां पे क्या है हमारा Fe+2 या फिर Fe+3 इनफैक्ट चारों ऑप्शन में देखो Fe+2 ही ठीक है तो कंपाउंड तो हमारा FeSO4 है FeSO4 और इसको हीट करने पे दो ऑक्साइड्स मिल रहे हैं तो कंपाउंड बी तो हमारा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है फर्दर मतलब ये क्या है हमारा SO2 है ठीक है क्योंकि SO2 में सल्फर का +4 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं SO3 का आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते सल्फर +6 में ठीक है तो कंपाउंड बी इज SO2 तो ये ऑप्शन गलत हो गया अब बचा ए और बी और लास्ट में क्या कह रहा है HCl के साथ ये क्या बना रहा है डाइमर बना रहा है तो ये फास्फोरस कहाँ से आ गया इधर फास्फोरस तो हो ही नहीं सकता तो ये ऑप्शन गलत हो गया तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है और हम लोग एक बार फिर इसको वेरीफाई कर लेते हैं F2O3 इसको क्या बोल रहा है ये दिस इज योर Fe2O3 अच्छा और उसके बाद FeCl3 हाँ FeCl3 लुईस एसिड होता है हम लोग देखे थे इसको कहाँ देखे थे EAS जब पढ़ रहे थे हम लोग ठीक है EAS में हैलोजिनेशन पढ़ते थे हम लोग तो हैलोजिनेशन में हम लोग लुईस एसिड यूज करते थे तो लुईस एसिड कौन कौन से यूज करते थे किसी केस में AlCl3 अपन करते थे किसी केस में FeCl3 करते थे FeBr3 करते थे या फिर Fe+Br2 करते थे ठीक है Fe+Br2+ heat ठीक है FeCl3 हमारा लुईस एसिड तो होता है ठीक है और डाइमर की तरह भी ये एग्जिस्ट करता है ठीक है FeCl3 और AlCl3 का स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल ठीक है AlCl3 भी हमारा डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है FeCl3 भी हमारा डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है इसका डाइमर ऐसे होता है Cl ये होता है इसका डाइमर सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और ये इस तरह से हमारा डाइमर बनाता है Fe2Cl ठीक है क्लियर हुआ ये क्वेश्चन यस सर तो हम स्क्रीन फिर क्लियर कर दें या फिर नोट करना है जल्दी करो हो गया हम क्लियर कर रहे हैं इसको यस सर और बताओ क्वेश्चन नंबर 37-49 पूछ रहा हूँ नहीं है और नीचे करें अच्छा हो गया और पूरे पेपर में और कुछ डाउट नहीं चलो ठीक है तो हम लोग फिर मेंस का पेपर निकालते हैं मेंस के स्टूडेंट हैं सॉरी नीट के अर्थम नहीं है अनुरीमा नहीं मेंस का आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था आप लोगों को कुछ डाउट है मेंस में मेंस का पेपर बहुत इजी था वैसे इजी तो मेन है इसका सॉरी नीट का भी था नीट मेंस दोनों का इजी अच्छा क्वेश्चन लिखने का
ओके चलो ठीक है, आप लोग को और कुछ डाउट पूछना है? यस ठीक है, हम देंगे कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? आप लोग का रिवीजन कैसे चल रहा है? अभी 10-15 दिन में एग्जाम है ना? हाँ बोलिए। और कुछ हेल्प चाहिए आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में? कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना हो या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट समझना हो? नहीं है, चलो ठीक है, फिर आप लोग अपना नोट्स वर्क रिवाइज करो, लेटेस्ट का प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।